मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि वो दाढ़ी रखे हैं। मीडिया वाले क्या कहते हैं, ये इंसिडेंट करने वाला पागल है। हम कितने सालों से बोल रहे हैं कि ये मानसिक रोगी लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और ऐसे जो काम करते हैं और ऐसी आइडियोलॉजी को जो नफरत फैलाते हैं, ऐसे आइडियोलॉजी वाले सही में पागल ही लोग हैं। मंगलोर में परसों एक पुलिस वाले अपनी फैमिली के साथ, बीवी और अपनी बहन के साथ जा रहा है तो उसके ऊपर मॉरल पॉलिसिंग भी पुलिस तक को नहीं छोड़े। दो दिन पहले जर्नलिस्ट के ऊपर भी हमला करे। रथ यात्रा निकलती है, कोई भी धार्मिक रैली निकलती है, मुस्लिम के नाम पर पत्थर मारे, इसलिए हम कम्युनल राइट्स हुए बोलकर जो मीडिया जस्टिफाई करती है, ये मीडिया भी बहुत बड़ी इसके ऊपर जिम्मेदार है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. Social Democratic Party of India पूरे रियासत भर में बीजेपी सरकार और संघ परिवार जो कम्युनल पॉलिटिक्स और हेट पॉलिटिक्स की जो बीज डाली है, आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में ये आग लग चुकी है। इसकी वजह से मणिपुर में नस्लकुशी हो रही है क्रिश्चियनों की, हरियाणा में कम्युनल राइट्स होता जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आरपीएफ ऑफिसर्स, कुछ पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि उनके जहन में भी ये कम्युनल का जो कीड़ा है ऐसा पनप रहा है कि ड्यूटी में भी होकर वो कम्युनल के कामा, कम्युनल हेट पॉलिटिक्स से कामा करते जा रहे हैं। 100 साल पहले संघ परिवार जो ये बीज डाली थी उसका आज हम नतीजा देख रहे हैं कि पूरे देश में ये आग लग चुकी है। आज हेगड़ेवार, गोलवारकर, उनका जो सपना था कि ये देश हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हो, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से नफरत करें, उनके जो सपना था आज वो पूरा होते दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी है और अपने राइटिंग्स में लिखा है कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं, इंडिया के मुसलमान, इंडिया के क्रिश्चियन हिंदुओं के दुश्मन हैं, वो 100 साल पहले कहते थे, और उनको मानने वाले लोग आज सियासत में आकर उनका जो ख्वाब है वो पूरा करते आ रहे हैं। और ये जो फैसिज्म की जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो जर्मनी की नाजी हो, हिटलर की नाजीज़म हो, या मुसोलिनी की इटली की जो फैसिज्म हो, ये लोग क्या करते हैं, एक फेक एनिमी को तैयार करते हैं ताकि अपन इख्तदार में आने के लिए, अपन सियासी ताकत हासिल करने के लिए एक फेक एनिमी को तैयार कर अपने कल्चर को आला कल्चर बताते हैं, अपनी नस्ल को आला बताते हैं और सामने वाले को दुश्मन और एक ऐसा एक दहशतगर्द बताते हैं ताकि ये लोग उनसे नफरत करें और अपन तख्त हासिल करें। ये तो फैसिज्म की जो आइडियोलॉजी है, हिटलर यही आइडियोलॉजी को लेकर जर्मनी में चला, मुसोलिनी इटली में चला, और वही आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले संघ परिवार और बीजेपी के जो लोग हैं आज वो उसी को इंडिया में दाखिल ला चुके हैं, और उसी का परिणाम देखते हैं कि पूरे देश भर में इसी तरह के घटनाएं हर जगह आम हो चुके हैं। कर्नाटक में भी कम्युनल के जो इंसिडेंट्स हैं दिन पे दिन बढ़ते आ रहे हैं। मंगलोर में परसों एक पुलिस वाले अपनी फैमिली के साथ, बीवी और अपनी बहन के साथ जा रहा है तो उसके ऊपर मॉरल पॉलिसिंग भी, एक पुलिस भी आज इन कम्युनल जो गुंडे हैं, अपने आप को जो देशभक्त कहते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, ये फ्री हैंड हो चुके हैं, पुलिस तक को नहीं छोड़े। दो दिन पहले जर्नलिस्ट के ऊपर भी हमला करे हैं नैतिक पुलिसगिरी के नाम पर। तो इस तरह की जो घटना है पूरे देश भर में हो रहे हैं। एक आरपीएफ का सोल्जर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता है और हिंदू मुस्लिम में एक अमीर गरीब में, ऊंच नीच में, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो खिलाफ बात करती है उसके ऊपर हाथ रखकर मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि वो दाढ़ी रखे हैं, और मोदी जी की जय और योगी जी को जो प्रशाय जो उनके बारे में पॉजिटिव बोलता है तो उनके बारे में सोचना है कि ये कितने साइकिक लोग हैं, उनकी साइकोलॉजी कितनी ख़राब हुई है। मीडिया वाले क्या कहते हैं कि ये इंसिडेंट करने वाला पागल है। हम कितने सालों से बोल रहे हैं कि ये पागल ही लोग हैं, ये मानसिक रोगी लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और ऐसे जो काम करते हैं और ऐसी आइडियोलॉजी को जो नफरत फैलाते हैं, ऐसे आइडियोलॉजी वाले सही में साइकोलॉजिस्ट इनको देखना चाहिए, ये सही में पागल खाने के लोग हैं। हम अब से नहीं, कब से, बहुत पहले से बोल रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस तरह की जितने भी घटनाएँ हो रहे हैं, मणिपुर में देखिए 4 महीने से एक नस्ल को,
सिर्फ वो क्रिश्चियन है क्योंकि वो आदिवासी है बोलकर उनको 4 महीने से उनके ऊपर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड उनके ऊपर टेररिज्म होते जा रहा है। हरियाणा में भी जो गुंडे खुलेआम 2 लोगों को कत्ल करने के नाम पर जो बिट्टू है मोनू परेसर है वो कई महीनों से जेल उसको अरेस्ट नहीं किए हैं। वो इंटरव्यू दे रहा है, जर्नलिस्ट उसको ढूंढ के निकाले हैं लेकिन राजस्थान और हरियाणा की पुलिस बेशरम पुलिस अब तक उसको अरेस्ट नहीं करे हैं। जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू कर सकता है, जर्नलिस्ट जब ढूंढ के निकाल सकते हैं तो पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्यों अब तक अरेस्ट नहीं कर रही, ये कितनी शर्म की बात है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हरियाणा में कोई This video presented by Manur Multi Speciality Hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road Gulbarga